में जो है पहले से एक चौकी थी, उस चौकी को हम निकाल के अपने चौकी जो हमारी थी उसको लगा दिए और ये साइड में देख रहे। नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका हार्दिक स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम अब कमरे को अपने चेंज करने वाले हैं। तो हम अभी सुबह जो बाहर निकले हुए थे, सुबह सुबह हम लोग आपके बीच में आ चुके हैं, लेकिन अब धीरे धीरे रूम को हम जो है पूरा हटाने का प्रोसेस करेंगे, खाली करने का प्रोसेस करेंगे और कैसे फिर दूसरे रूम में शिफ्ट होंगे उसको भी दिखाएंगे। पूरा इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ब्लॉग कैसा होगा ये तो आगे चल के ही पता चलेगा। बाकी अभी तक अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और इन्जॉयमेंट करते रहे। तो काफ़ी जो है सर्च करने के बाद, काफ़ी ढूंढने के बाद एक लगभग में ठीक ठाक रूम मिल चुका है, जिसका लोकेशन और पूरा रूम का टूर आप लोगों को देखने को मिल ही सकता है, इन्जॉयमेंट करने को मिल सकता है। और ये अभी आउटडोर में शूट कर रहा हूँ अपने वीडियोज को। जानते हैं ब्लॉगिंग करते हैं तो कहीं भी शुरू हो जाते हैं, तो शुरुआत यहीं से होता है कि अभी चलेंगे फिर रूम पर, रूम को भी साफ सुथरा करना है, वहाँ से खाली करना है, सामान को लाना है, सब कुछ देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स। अपने मकान से अब जो है हम अपने हैंगर को खोल रहे हैं और साइड में देख रहे हैं, अभी वहीं टंगा है मेरा ट्राइपॉड जो गिम्बल है। अभी इन सबको खोलेंगे, एक दो जो है हैंगर हम खोल भी चुके हैं। हैंगर तो हमारा खुल गया, अब हम अपने जो वॉलपेपर लगाए थे टेक्निकल वीडियो बनाने के लिए उसको अब खोलेंगे, देखते हैं सही उखड़ता है कि नहीं उखड़ता है, अब कुछ पता नहीं है। प्रयास कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उम्मीद कुछ नहीं लग रही, क्योंकि अभी हम जब ट्राई कर रहे थे तो देखे साला वो पेपर से उखड़ जा सा रहा था, अब लेकिन यह है कि अब थोड़ा से अलग अलग करके उखाड़ रहे हैं, पूरा का पूरा आ जा रहा है। उसी के साथ इसका यूज़ शायद ही उपाय, देखते हैं। पूरा सामान बिखरा हुआ है रूम में, सब गट्ठर बांध बांध के, क्योंकि बक्से के अंदर जो था, बक्सा देख रहे खड़ा हो गया, बक्से के अंदर जो भी सामान था वो भी बाहर आ गया, क्योंकि उसको निकालना है और वो सीधे हमारे गेट से नहीं निकलता है, ये बाहर से निकालना पड़ेगा दूसरे साइड से, उसको भी निकालेंगे। और सामान सब चौकी के ऊपर पड़ा है और अब सामान हमारी धीरे धीरे अंदर से बाहर किया जा रहा है, क्योंकि अब मैजिक आ चुकी है, देख रहे हैं रोशन धीरे धीरे सामान को थमा रहे हैं और बक्सा और सामान जो है नीचे चला गया, सीओम भी फेंक रहे हैं सामान को, ऐसे कर करके जो है सामान को जो है रखा जा रहा है मैजिक में। कुछ ही देर में हम लोगों का तो मैजिक में पूरा सामान भर ही जाएगा, और जीजा खड़े होकर अपने निगरानी में भरवा रहे हैं और सब सामान इस तरह से भर के कम्प्लीट हो जाएगा तो फिर चलेंगे। और लगभग हमें सामान खाने पीने का जितना भी सामान था सब रख गया है, अभी तभी जो है किचन वाले रूम में से जितने सामान है निकाला जा रहा है, और देखते हैं कब तक सब कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा सारा सामान लगभग में पैक हो चुका है, अब यहाँ से रवानगी होगी, फिर जहाँ रूम लिए हैं वहाँ आप चलेंगे, और लगभग में सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और हम लोग अब जो है आ गए जहाँ रूम लिए हैं वहाँ, ये लोकेशन है, और अब सामान हम लोग धीरे धीरे अपने कमरे में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मैजिक वाले जो हैं उनको जल्दी जाना भी है और सीओम लाना भी शुरू कर दिए हैं, और हम भी अब सेट कर लिए हैं सिस्टम को और अब सामान को जल्दी जल्दी लाते हैं, क्योंकि यहाँ से सामान जल्दी से खाली कर दिया जाए तो मैजिक वाले भी बेचारे चले जाएँगे। आगे देखते हैं और क्या क्या है, सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अस्थाना जी भी देख रहे हैं सामान को ला रहे हैं, और इस तरह से सब कुछ एडजस्टमेंट किया जाएगा, तब तक आप वीडियो को देखते रहें। Thank you.
इस रूम में जो है पहले से एक चौकी थी, उस चौकी को हम निकाल के अपने चौकी जो हमारी थी उसको लगा दिए। और ये साइड में देख रहे हैं कि इधर साइड में किचन है और हमारी सामान सब बिखरा है उसी तरह है। अब जो हमारा बेड था वो तो लग ही गया, साथ में कूलर भी लगाया जा रहा है, स्वयं और रोशन दोनों लोग सेट कर रहे हैं। जो कुछ सामान कुछ था कि एडजस्टमेंट हो जाए, फिर इसके बाद बाकी धीरे धीरे होता रहेगा। और ये गैलरी देख रहे हैं, लंबा सा गैलरी, फिर उसके बाद उसी इस गेट के जो सामने देख रहे हैं लोहे के दिख रहा है, इसके बगल में भी एक रूम है जिसमें स्टूडियो बनना है, वो तो आपको दिखाएंगे। आप लोगों ने देखा किस तरह से हम रूम चेंज करने में अपने सामानों को व्यवस्थित किए, कैसे लाए, हमें दिखाते हैं आप लोगों को कि हम यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। अब सामान हमारा पूर्ण रूप से तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ शिफ्ट हो चुका है, अलमारी में कुछ सामान शिफ्ट हो गया, अभी इधर उधर भी पड़ा है, बिस्तर हमारा लग चुका है और मेरा कूलर मेरे पास लग चुका है, पंखा लगा है, बाहर सामने खाली जगह है। और क्या कहें, अच्छा भी लग रहा है, अच्छा नहीं भी लग रहा है, क्योंकि वहाँ 4 सालों से रह रहे थे तो काफ़ी जैसे लगाव सा था, अब वहाँ से हटने पर लग रहा है कि कहीं और चले गए, जैसे लग रहा है वन में आ गए, अभी ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन फिर भी देखते हैं कैसा लगता है, वैसे आना जाना तो हमेशा रहेगा ही, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी दूरी थोड़ा सा हो गई है तो जैसे अजीब लग रहा है। वहाँ रहते थे तो शाम सुबह हर सबसे मिलना जुलना होता रहता था। आइए किचन को भी दिखाते हैं, किचन भी यहाँ है तो किचन को दिखा देते हैं। किचन कुछ सिस्टमेटिक हो चुका है, कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं कहेंगे लेकिन कुछ हो चुका है। और आप लोगों को कैसा लगा यह कमरा हमारा ज़रूर बताइएगा। थोड़ा से इससे जो है वह बेहतर नहीं था, लेकिन ये है कि ये भी बहुत स्टैंडर्ड तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी कुछ हद तक सही कहेंगे। तो आइए अब किचन में चलते हैं। लाइटिंग व्यवस्थाएँ भी अभी सही नहीं है, क्योंकि लाइटिंग का ऐसे तैसे करके हम व्यवस्था अरेंजमेंट कर चुके हैं। देख रहे हैं खिड़की के ऊपर लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, खिड़की के ऊपर लगा है, लेकिन अपना इन्वर्टर से कनेक्शन कर चुके हैं। पीछे अलमारी में सामान किचन का पूरा सज चुका है, कुछ सामान भी नीचे भी है। इस साइड देख रहे हैं थोड़ा सा लग रहा है किचन जैसा व्यवस्था है और अलमारी। मैडम खाना बना रही हैं। आप लोगों को यह ब्लॉग कैसा लगा यह जरूर बताइएगा, और मेरा रूम कैसा लगा है ये जरूर बताइएगा। और व्यवस्थाएं कुछ नॉर्मल ही है, लेकिन आप लोगों को हमेशा दिखाते रहेंगे। अब मैं भी कभी कभी जब खाना अकेले रहूँगा बनाऊँगा तो वही आप लोगों को ब्लॉग में बताऊँगा कैसे खाना बनाऊँगा। अभी तक नहीं देखे तो देखेंगे जरूर, लेकिन जब तक ये बना रही हैं तब तक बनाती रहें। और आप लोग हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, इंजॉयमेंट करते रहें। थोड़ा आवाज़ आ रही होगी बस का, क्योंकि रोड के पास ये भी रूम है, वो भी पहले वाला भी रूम था, तो आप लोग इसको इग्नोर करिएगा, भाई को सपोर्ट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और इसी के साथ हम ब्लॉग को एंड करते हैं, तब तक मजा लेते रहिए। काफ़ी कसम से कर रहे हैं, काफ़ी हम लोग थक चुके थे, क्योंकि रूम को साफ कराने में आप देखे होंगे सीओम भी आए थे और उनके मित्र जो है साथ में जीजा जी थे, साथ में मेरे मित्र जो आशुतोष अस्थाना जी थे, और ये लोग सब लोग थोड़ा थोड़ा हेल्प जरूर हमारा किए। और यहाँ तक सर सामान आके एडजस्टमेंट पूरा हो चुका है, बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे भी अच्छा लगा। तो चलिए अब ब्लॉग को एंड करते हैं, काफ़ी थकन के बाद अब खाना खाएंगे, फिर इसके बाद सोने की तैयारी। तब तक आप लोगों से अलविदा लेते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू।